गाइस, इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ रन कमांड्स के कुछ ऐसे यूजफुल कमांड्स बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने विंडोज़ एक्सपीरियंस को 10x फास्ट कर सकते हो। तो अगर आप अपने विंडोज़ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये कमांड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको करके दिखा। सो गाइस, यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे आ जाना है एंड अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडोज़ प्लस आर बटन, जिससे यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला रन कमांड है lushrmgr.msc। ओके, इस कमांड को आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने यूजर्स एंड ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे काम को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि न्यू यूजर बनाना यहाँ पे हो गया, या फिर किसी यूजर को डिलीट करना हो गया, या फिर किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना हो गया, एंड यूजर से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप में अगर आप आते हो तो ग्रुप में भी यहाँ पे आप न्यू ग्रुप बना सकते हो, किसी पुराने ग्रुप को आप डिलीट कर सकते हो, या फिर किसी यूजर को किसी ग्रुप का परमिशन देना है, किसी ग्रुप में ऐड करना है, तो भी काम यहाँ पे आप कर सकते हो। यूजर एंड ग्रुप से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। नंबर टू हमारे पास है devmgmt.msc। इस कमांड को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका डिवाइस मैनेजर जो है सिस्टम का वो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम के ड्राइवर को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि ड्राइवर रोल बैक करना हो गया, या फिर कौन सा ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल है, किस ड्राइवर में एरर आ रहा है, यहाँ पे आप ड्राइवर से रिलेटेड सब कुछ मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ड्राइवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से आप चेकआउट करके उसको फिक्स भी कर सकते हो। थर्ड हमारे पास है diskmgmt.msc। ओके, diskmgmt.msc। इस कमांड से डिस्क मैनेजमेंट ओपन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपने हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि न्यू हार्ड डिस्क ऐड करना, न्यू ड्राइव बनाना, या फिर किसी पुराने ड्राइव को डिलीट करना, मर्ज करना, श्रिंक करना, या फिर किसी ड्राइव का लेटर चेंज करना, एंड हार्ड डिस्क से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हो। नंबर फोर हमारे पास कमांड है services.msc। इस कमांड से विंडोज सर्विसेज ओपन होगा, जहाँ पे आप सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे काम तो कर सकते हो, जैसे कि किसी सर्विस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, पॉज करना, रीनेम करना, या फिर रिस्टार्ट करना, या फिर किसी सर्विस को इनेबल या फिर डिसेबल करना। तो सर्विसेज से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। नंबर फाइव हमारे पास कमांड है MES Info 32। इस कमांड से सिस्टम इन्फॉर्मेशन ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने सिस्टम के रिसोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि हार्डवेयर रिसोर्स, कंपोनेंट्स, सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि आपके सिस्टम का नाम क्या है, आपके लैपटॉप का मॉडल क्या है, आपके लैपटॉप में कितने जीबी का हार्ड डिस्क है, कितने जीबी का रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, सब कुछ यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली से चेकआउट कर सकते हो। तो सिक्स नंबर पे हमारे पास कमांड है desk.cpl space comma 5। इस कमांड से डेस्कटॉप आइकन सेटिंग ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे किसी भी आइकन को आपको हाइड करना तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, या फिर किसी आइकन को यहाँ पे शो करना तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिस पीसी है तो दिस पीसी को अगर आपको हाइड करना तो यहाँ से अनचेक मार करके अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे दिस पीसी देख सकते हो हाइड हो गया। अगर आपको दिस पीसी को फिर से लाना है तो यहाँ से चेक मार लगा के अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पीसी आ गया। तो ऐसे ही आप रिसाइकल बिन, यूजर्स फाइल, कंट्रोल पैनल, या फिर नेटवर्क, सबको यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप पे शो कर सकते हो, या फिर हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। सेवन नंबर पे हमारे पास यहाँ पे कमांड है ncpa.cpl। ncpa.cpl से यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने ईथरनेट को, वाईफाई को, ब्लूटूथ को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना, आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगर करना, या फिर अपने ईथरनेट को डिसेबल या फिर इनेबल करना, वाईफाई को इनेबल या फिर डिसेबल करना, वाईफाई को कनेक्ट करना, एंड नेटवर्क से रिलेटेड और भी बहुत सारे काम यहाँ पे आप कर सकते हो। नंबर एट हमारे पास कमांड है apois.cpl। इस कमांड से प्रोग्राम एंड फीचर्स ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो ऐसे आप आसानी से कर पाओगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप विंडोज एडवांस फीचर्स को भी इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि हाइपर वी मैनेजर हो गया, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, या फिर डिसेबल करना है तो डिसेबल भी कर सकते हो। तो नंबर नाइन हमारे पास कमांड है कंट्रोल।
कंट्रोल से यहाँ पे आपका सिंपली कंट्रोल पैनल ओपन होगा, जहाँ पे आप कंट्रोल पैनल से रिलेटेड हर एक चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे यूजर ग्रुप, फायरवॉल, प्रिंटर शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी सर्विसेज दिखा रहा है, जैसे कि बिटलॉगर ड्राइव, इंक्रिप्शन और भी बहुत सारे चीज़, सब कुछ यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। तो नंबर 10 कमांड हमारे पास है MSTHC, जिससे यहाँ पे आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि अपने नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर का स्क्रीन रिमोटली अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना, तो यहाँ पे आप उसके IP से या फिर कंप्यूटर नेम से एक्सेस कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बहुत ही यूजफुल फीचर्स है। ये बेसिकली असिस्टेंट के लिए यूज होता है, अगर आप किसी को असिस्ट करना चाहते हो तो उसके सिस्टम का रिमोट आप अपने स्क्रीन में रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से ले सकते हो। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे इस वीडियो को देखिए एंड एंजॉय करिए।